तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो क्लास नाइन्थ का हम लोगों का लेसन चल रहा था, जैसे कि हमारे आसपास के पदार्थ, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ठीक है, अगर बदल सकता है तो वो कौन सी पदार्थ है। ठीक है, तो देखिए लगभग बहुत सारे ऐसे पदार्थ आपको देखने को मिलेगा जो अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। उसमें से हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे जल जो है ना वो तीनों अवस्थाओं में बदल सकता है। पहला ये कि वो ठोस में भी बदल सकता है, दूसरा द्रव में भी, और तीसरा गैस। ठोस बोले तो उसका एग्जाम्पल है बर्फ। बर्फ आप देखे होंगे, आइसक्रीम वगैरह देखे होंगे, ठीक है ना। तो आइसक्रीम भी क्या है, ठोस पदार्थ है जो जल से ही वो बनता है। और दूसरा द्रव, जो जल ही एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और तीसरा ये गैस, जो जल को गर्म करेंगे जब आप किसी टेम्परेचर ऑफ सोर्स, अगर आप उसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, जल जो है ना वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। तो जो वाष्प में बदल लेगा ना तो उसको हम कहेंगे कि वो गैसियस फॉर्म में चला गया, अर्थात वो गैस का एक उदाहरण हो सकता है। क्लियर हो गई बात। अब जो हम आगे देखने वाले हैं वो है हमारा अगला टॉपिक कि अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, ठीक है ना। और दूसरा इसमें एक और सवाल बनता है कि अगर पदार्थ जो है ना कणों से मिलकर बने होते हैं तो कणों में अगर कोई ना कोई प्रभाव देखने को मिलता है तो वो कैसा प्रभाव होता है, यानी कौन सी प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सवाल नंबर एक है कि अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, तो पदार्थ के अंदर कणों पर प्रभाव पड़ता है। एक ये उत्तर हो गया। दूसरा नंबर कि वही उत्तर एक सवाल बनकर के यहां पर तैयार है कि अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। देखिए कोई भी जो है ना पदार्थ, जैसे मान लेते हैं ठोस ही है, तो ठोस के अंदर जो कण होते हैं ना वो एक दूसरे के काफ़ी जटिल होते हैं, काफ़ी माने एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, ठीक है ना। जब नज़दीक होते इसका मतलब ये कि इसका घनत्व ज़्यादा है, ठीक है ना, इसका घनत्व ज़्यादा है। जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में ही मैंने बता दिया कि जिसका घनत्व काफ़ी अधिक होता है वो ठोस है, और घनत्व ठोस से अगर कम उसका घनत्व है तो वो द्रव है, और द्रव से कम घनत्व है तो वो गैस है, ठीक है ना। तो घनत्व अधिक होने का सबूत यह है कि उसके कण जो होते हैं ना, जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, इतने एक दूसरे से सटे हुए होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि इसकी घनत्व ज़्यादा है, इसलिए वो ठोस है। तो होता क्या है ना कि इन, जब हम लोग किसी भी सोर्स ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के किसी भी सोर्स से जब हम इसको तापित करते हैं यानी गर्म करते हैं, तो ये होता क्या है ना कि इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों के अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बढ़ जाती है। और बढ़ने के दौरान होता क्या है कि ये जो कण एक दूसरे के काफ़ी करीब रहता है, जो अपने नियत स्थान पर रहता है, उनके अंदर हलचल मचती है, ठीक है ना, इनके अंदर कंपन होती है। और कंपन के दौरान ये कण एक दूसरे से काफ़ी अलग होना शुरू कर देते हैं। जब ये अलग होते हैं ना, तो इसी तरीका से अगर टेम्परेचर हम लोग देते रहें, ठीक है ना, तो होता क्या है कि एक समय आता है कि ये कण एक दूसरे से काफ़ी स्वतंत्र हो जाते हैं, कंपन करने के दौरान काफ़ी अलग हो जाते हैं, और ये अलग होकर के द्रवीय अवस्था में बदल जाते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ एक सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा कि जब ठोस के जो कण होते हैं ना, एक दूसरे से जब अलग होकर के स्वतंत्र अवस्था में कंपन के दौरान अलग होकर के जब वो ठोस द्रव में बदलता है ना, तो ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सेंटेंस से एक उत्तर भी तैयार हो गया कि गलनांक किसे कहते हैं, जब ठोस द्रव में बदलता है तो ठोस को द्रव में बदलना ही गलनांक कहलाता है। अब अगला देखते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि चाहे ठोस हो जो द्रव में बदल रहा है, ठीक है ना, चाहे द्रव हो वो गैस में बदल रहा है, तो किसी भी सोर्स ऑफ टेम्परेचर से उसको हम लोग तापित करते हैं, जिसके दौरान उसके कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और वो ठोस द्रव में बदलता है, और वो द्रव गैस में बदलता है, राइट। लेकिन जब हम लोग सोर्स ऑफ एनी टेम्परेचर जब हम लोग तापित करते हैं, तो फिर वो टेम्परेचर होता क्या है, तापमान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए तापमान एक तरीका का एहसास है, ठीक है ना। तापमान क्या है, एक तरीका का एहसास है। जैसे कि अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो गर्मी आप एहसास करके बताते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बट अगर आपको ठंडी लगती है तो भी आप कहते हैं कि मुझे बहुत ठंडी लग रही है। लेकिन गर्मी और ठंडी ये दोनों क्या करते हैं, आप एहसास करते हैं, आप अपने वातावरण से इस टेम्परेचर को फील करते हैं, महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, और तब कहते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है, या फिर तब कहते हैं कि आप खुद कहते हैं कि मुझे ठंडी लग रही है। तो ठंडी और गर्मी ये क्या है, एक तरीके का एहसास है। तो टेम्परेचर से हमें दो चीज़ों का एहसास होता है, एक तो ठंडा और दूसरा गर्म,
ठीक है ना। तो जो ठंडी और गर्मी को एहसास कराए वो तापमान कहलाता है। अब बात करते हैं कि इसका SI यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, तो केल्विन होता है, जबकि इसको 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर रखा जाता है 273 केल्विन, ठीक है ना। तो 273 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस का। अब एक और बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने लिखा है कि जब भी कभी केल्विन को सेल्सियस में हम लोग बदलते हैं ना, तो 273 क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटाया जाता है, जबकि सेल्सियस से जब हम लोग केल्विन में बदलते हैं तो 273 को जोड़ दिया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं आपको दिया है कि 573 K और बोल रहा है क्या कि इसको आप डिग्री सेल्सियस में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, 273 घटा देंगे, ठीक है ना। 273 जैसे ही आप घटाएंगे तो 573 में 273 घटेगा तो कितना बचेगा, 300 डिग्री सेल्सियस। बातें क्लियर, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, जब ये बात समझ में आ गई कि किसी भी ठोस को द्रव में बदलने के लिए और द्रव को गैस में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी सोर्स ऑफ टेम्परेचर से हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदलते हैं। और यहां तक हम लोग ये भी समझ गए कि इसका SI यूनिट केल्विन होता है, ठीक है ना, जबकि इसको 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 273 के बराबर में रखते हैं, और जब केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं तो 273 को घटा देते हैं, लेकिन जब सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो हम लोग 273 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गई ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तब तक यहां तक लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब जो अगला टॉपिक है वो है कि पदार्थ में जो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है वो किन किन प्रभाव के कारण देखने को मिलता है। तो देखिए, प्रभाव नंबर 1 और प्रभाव नंबर 2, यानी जिस प्रभाव से अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है वो है कि पहला टेम्परेचर के दौरान अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, और दूसरा दाब के कारण अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्लियर। अब देखिए यहां पर है ठोस। ठोस क्या है कि जब हम टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर मतलब तापमान, यानी कहीं से भी सोर्स ऑफ टेम्परेचर लेकर आते हैं, चाहे वो बिजली से लेकर के आइए, चाहे आग से लेकर के आइए, कहीं से भी बस गर्म करने का कोई उपाय लगा लीजिए, ठीक है ना। किसी भी ठोस पदार्थ को जब आप गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदलता है, और जब उससे भी ज़्यादा गर्म करते हैं तो गैस में चला जाता है। फिर से एक बार, जब किसी भी ठोस पदार्थ को हम आग देते हैं, यानी सोर्स ऑफ टेम्परेचर के माध्यम से जब इसको हम तापित करते हैं, तो ठोस क्या होता है, द्रव में बदलता है, और द्रव क्या है, गैस में बदलता है। कब, जब द्रव को और हम थोड़ा सा आग बढ़ाते हैं और कुछ देर तक गर्म करके रखते हैं तो वो द्रव धीरे धीरे उबलना शुरू होता है और वो गैस में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि जब ठोस द्रव में बदलता है तो ठोस को द्रव में बदलने की यह प्रक्रिया, यह एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस का नाम हम गलन कहते हैं। ठोस क्या होता है ना कि जब आप किसी भी ठोस पदार्थ को, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक ही ले लीजिए, ठीक है ना, प्लास्टिक को लेते हैं ना, जब तो होता क्या है कि जब प्लास्टिक को आप आग के पास लेकर के जाते हैं, जब आग का ज्वाला है उसमें ले जा करके, तो वो क्या होता है ना, वो धीरे धीरे पहले गर्म होता है, गर्म होकर क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और धीरे धीरे अगर इसको किसी मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर चले जाइए या फिर किसी बर्तन में ले लीजिए और उस प्लास्टिक के जो लिक्विड फॉर्म है उसको और गर्म कीजिए, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि जब हम ठोस पदार्थ को हम लोग जब गर्म करते हैं तो ठोस से द्रव में बदलता है, तो ठोस से द्रव में बदलने की यह प्रक्रिया गलन कहलाती है। लेकिन 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 यहां पर ध्यान दीजिए, गलन से एक गलनांक भी वर्ड आता है, ठीक है ना, गलन से गलनांक। तो देखिए, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाती है, लेकिन जिस ताप पर ठोस द्रव में बदल जाए उसे हम गलनांक कहते हैं। यानी कि ठोस, देखिए द्रव जो है ना, द्रव ये ठोस, जब कोई भी ठोस पदार्थ को ले लीजिए, जब हम जिस ताप पर हम गर्म करते हैं और जितना तापमान पर अगर वो ठोस द्रव में बदल जाए तो हम उस तापमान को, उस ठोस को द्रव में बदलने का गलनांक कहते हैं, यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फिर से एक बार समझिए, ठीक है ना, ठोस को द्रव में बदलना यह प्रक्रिया गलन कहलाती है, ठीक है ना, मेल्टिंग कहलाती है, यानी कि गलने लगा। लेकिन जिस ताप पर ठोस द्रव में बदल जाए उस तापमान को हम लोग गलनांक कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब बात करते हैं कि द्रव, ठीक है ना, द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्वथन कहलाती है, लेकिन जिस ताप पर द्रव गैस में बदल जाए उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं,
क्वथनांक, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, अब इसी टेम्परेचर को बढ़ाने से ठोस द्रव में बदल गया, ठीक है ना, और द्रव गैस में बदल गया। लेकिन जब इस टेम्परेचर को कम कर दीजिए तो बिल्कुल ठंडा सा माहौल बन जाएगा। सोचिए कि जब सर्दी के मौसम आते हैं, जब ठंडी का मौसम आते हैं, तो हम सभी कितना भी गर्मी में क्यों ना रहें, बट ज़्यादा ठंडी लगने के बाद हम लोग कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पहनने लगते हैं, ऊनी कपड़े पहनने लगते हैं। लेकिन मौसम में, मौसम के जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होने लगता है, यानी टेम्परेचर उसका काफ़ी कम होने लगता है। टेम्परेचर अगर प्लस में है, टेम्परेचर अच्छा है, ठीक है ना, तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है, होता क्या है कि हम लोग वैसे वैसे कपड़ा पर कपड़ा पहनते जाते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो होता यह है कि हम लोग कपड़ा पहनने के बावजूद भी हम लोग का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। तो टेम्परेचर कम पड़ने से हम लोग का शरीर क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है। इन द सेम वे कि जब गैस को हम लोग ठंडा करते हैं, देखिए इधर क्या था कि हम लोग गर्म करने से द्रव में बदल जाता है और वही गर्म और करने से गैस में बदल जाता है। लेकिन यहां से अब उल्टा आइए, जब हम इसको ठंडा करते हैं ना तो होता क्या है, ठीक है ना, कि एक संघनन की प्रक्रिया होती है, यानी गैस को द्रव में ठंडा करने के दौरान जो हम बदलते हैं तो यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। लेकिन फिर और जब ठंडा हम लोग करते हैं, ठीक है ना, जब और ठंडा हम लोग करते हैं तो ठंडा करने के दौरान यह द्रव अब जा करके जम जाता है, अर्थात उसे जमना कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यह था जो टेम्परेचर के दौरान अवस्था में हमने परिवर्तन देखा, कुछ बदलाव देखा। लेकिन अब जो है ना, अब अगला जो टॉपिक है वो है कि दाब से अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रेशर समझते हैं, देखिए जब आपको कोई प्रेशर देता है तो आप कुछ करने के लिए सोचते हैं, प्रेशर मतलब दबाव में आकर के, ठीक है ना, क्यों, आपके अंदर जो है ना एक उत्तेजना जगती है कि मतलब मैं किसी तरीके से भी मैं इसका काम करके दे दूं। इन द सेम वे प्रेशर के दौरान भी अवस्था में परिवर्तन देखने मिले। तो आपको जब प्रेशर दिया जाता है तो आप पहले शांत थे, नॉर्मल थे, ठीक है, ऐसे नॉर्मल थे, कोई आया बोला है मेरा काम कर दो। लेकिन जब वो प्रेशर देना शुरू कर देगा तो आप गुस्से में आकर चाहे जिस तरीके से भी आपके अंदर एक उत्तेजना क्रिएट होगी और फिर आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि उस काम का अंजाम देंगे, ठीक है ना। तो आपकी अवस्था में परिवर्तन हुई कि नहीं हुई। इन द सेम वे कि जब किसी पदार्थ के अंदर परिवर्तन देखने को होता है तो वो दाब से भी हम लोग देख सकते हैं, कैसे, प्रेशर को बढ़ा करके। जब हम दाब बढ़ाते हैं ना तो पदार्थों के कणों को समीप लाते हैं। क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है ना, किसी गैस को हमने भर दिया, ठीक है ना, तो गैस के जो छोटे छोटे कण है वो स्वतंत्र अवस्था में है, वो काफी एक दूसरे के दूर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब प्रेशर देते हैं ना तो प्रेशर के दौरान क्या होता है, उस छोटे छोटे कण को जो इधर उधर था उसको प्रेशर देने के बाद, ठीक है ना, वो होता ये है कि एक कण दूसरे कण जो काफी एक दूसरे के दूर थे वो नजदीक आ जाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि दाब बढ़ाने पर पदार्थों के कणों को समीप लाया जा सकता है, और जब समीप लाया जा सकता है यानी निकट लाया जा सकता है, नजदीक लाया जाएगा, तो जब पदार्थ के कण नजदीक आएंगे ना तो सबसे पहले वो लिक्विड अवस्था में आएंगे। समझिएगा, जब पदार्थ के जो कण थे, जो गैस के कण थे, जो एक दूसरे के काफी स्वतंत्र थे, दूर थे, एकदम बिल्कुल दूरी दूरी पर थे, उसको जब हमने प्रेशर दिया तो प्रेशर के दौरान क्या हुआ, उसके जो छोटे छोटे कण थे वो काफी नजदीक आ गए। जब नजदीक आ गए तो वो लिक्विड अवस्था में आएंगे, ठीक है। जब लिक्विड अवस्था में आएंगे तो हम कहेंगे कि दाब से भी क्या था, पहले वो गैसीय अवस्था में था, अब वो लिक्विड अवस्था में आ गया, अर्थात गैस से हमने क्या किया, द्रव अवस्था में बदल दिया। फिर और उसको हम दाब बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठोस पदार्थ में आ जाएगा। बातें क्लियर। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है वाष्पीकरण। क्या है वाष्पीकरण, देखिए जब आप किसी भी बर्तन में पानी को भरते हैं, उसको आग पर ले जाकर के गर्माते हैं, तो जब वो गर्म होता है ना तो सबसे पहले एक माने न्यूनतम ताप पर वो पहले गर्म होना शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे वो माने गर्म उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मतलब उसी तरीका से रहे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ते 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 क्या होगा, एक समय आएगा कि वो उबलना शुरू हो जाएगा। या आप उस समय का इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि टेम्परेचर को और बढ़ा दीजिए। जब आग बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वो पानी गर्म होने के बाद एक समय आएगा कि वो खौलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब खौलना शुरू होगा तो क्या होगा कि खौल करके उसमें से थोड़ा थोड़ा देखिएगा धुआं निकलता है, तो वहीं क्या होता है ना कि जल जो है ना वाष्प में बदलने लगता है और हमारे वातावरण में जाकर के मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि H2O, ठीक है ना, हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सीजन के एक भाग के मिलने से जल बनता है। जब आप इसको
किसी बर्तन के अंदर रख करके जब इसको गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन अलग भागेगा, ऑक्सीजन टूट करके अलग भागेगा और वो क्या होगा, पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्या मालूम चला इसे कि हमारे वातावरण में इस पदार्थों के जो कण थे वो टूट करके बिखर गए और पानी का लेवल कम हो गया। तो हम कहेंगे कि जब जल, ठीक है ना, ताप के दौरान जल वाष्प में बदल जाता है तो जल को वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं इवोपरेशन। अब अगला पॉइंट है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। जब वाष्पीकरण होता है तो एक तो हम लोग आग से ही हम लोग क्या करते हैं, वाष्पीकरण की घटना देखते हैं, माने आग टेम्परेचर बढ़ा करके हम लोग वाष्पीकरण की घटना देखते हैं। लेकिन इसको प्रभावित करने वाले और कौन कौन से कारक है जिसको हम लोग दिमाग में रखेंगे, तो पहला है कि सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर। देखिए जब आप कपड़ा को वाश करते हैं, ठीक है ना, या आपके घर वाले जो लेडीज होती हैं जो आपके कपड़ा को वाश करती हैं तो देती हैं, जब आप ले जाकर सुखाते हो छत के ऊपर तो क्या होता है, आप ऐसे ही कपड़ा को रख दोगे गीला एक पर एक तो वो सूखने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना, यानी कि वो गीलापन कुछ देर के लिए रहेगा, बहुत समय लगेगा तब जाकर। लेकिन जब उसका सतह क्षेत्र पर बढ़ा देंगे, यानी उस कपड़ा को लेकर के माने फैला देंगे, फैलाना मतलब पसारना, उसको जब फैला देंगे तो उसका सतह बढ़ जाएगा और उसमें जो गीलापन है, ठीक है ना, वो बड़ा तेजी से वो वाष्पीकरण के माध्यम से गीलापन खत्म हो जाएगा। तो सतह क्षेत्र पर बढ़ने पर भी वाष्पीकरण की घटना हम लोग देख सकते हैं, अर्थात वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला एक नंबर वन कारक हो सकता है सतह क्षेत्रफल बढ़ना। दूसरा है कारण कि तापमान में वृद्धि होने पर। अब जरा सोचिए, पहले क्या था कि आप मान लीजिए कि 15, 20 या 30 डिग्री सेल्सियस पर आप पानी को गर्मा रहे, उसको 100 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, बहुत कम समय बहुत जल्दी वाष्पीकरण की घटना देखने को मिल जाएगी। तो तापमान में वृद्धि होने पर भी क्या है, वाष्पीकरण की घटना देखी जा सकती है, अर्थात ये वाष्पीकरण की घटना पर प्रभावित भी हो सकता है। अगला पॉइंट है वायु की गति में वृद्धि, ठीक है। अब जरा सोचिए, मौसम चाहे कैसा भी हो, धूप निकला हो ना निकला, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जरा सोचिए कि जब आप कपड़ा सुखाने के लिए लेकर जाते हो, मौसम चाहे कैसा भी, बस हवा बहाना चाहिए, तो हवा में भी नमी होती है, जिस नमी के कारण और जिस हवा के हवा में मौजूद छोटे छोटे कण के कारण होता क्या है ना कि जब हवा बहती है ना तो उस दौरान क्या होता है ना, हमारा कपड़ा सूख जाता है। तो हम कह सकते हैं वायु की गति में वृद्धि के कारण भी, अगर हवा माने नम्र हवा चल रही है तो थोड़ा सूखने में समय, लेकिन बहुत तेज हवा चलने लगेगी तो उसमें भी जो कण होते हैं ना चोट मार करके उसको सुखा ही देंगे किसी भी तरीके से, ठीक है ना। तो क्या है कि वायु की गति में वृद्धि होने पर भी वाष्पीकरण को प्रभावित किया जा सकता है। तो यहां तक लीजिए आप इस जितने भी टॉपिक को मैंने समझा यहां तक लीजिए आप स्क्रीनशॉट, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब जो हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं वो है कि आज के वैज्ञानिक ने पदार्थ के कुछ और भी अवस्थाओं के बारे में बताया है, जो कि है ठोस द्रव गैस के बाद भी दो और अवस्थाएं हैं जिसे हमें पढ़ना है। तो देखते हैं वो कौन सी अवस्थाएं हैं। जैसे आधुनिक वैज्ञानिक की दृष्टि से पदार्थ की अब 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग पढ़ चुके थे ठोस द्रव गैस, जिसके बारे में अब हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि रिसेंटली मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया और फिर थोड़ी देर पहले भी इस पर डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो ठोस द्रव गैस के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में हम लोग समझें। तो अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो हमारे वैज्ञानिक की दृष्टि से ये चौथा स्टेट है। तो प्लाज्मा की अगर बात करें तो देखिए, प्लाज्मा के जो कण होते हैं ना, ऐसे तो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो जो प्लाज्मा के जो कण होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी खासियत और उनकी गुण क्या है कि प्लाज्मा के जो कण होते हैं ये काफ़ी आयनीकृत और काफ़ी उत्तेजित होते हैं और चमकीला भी होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा के जो कण होते हैं ये आयनीकृत, उत्तेजित और चमकीला होते हैं। जैसे नियान बल्ब के अंदर नियान गैस भरी जाती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अदर कोई गैसेस भरी जाती हैं, जिनके कण काफ़ी चमकीला होते हैं। जब इनमें क्या है ना कि करंट दिया जाता है, जब ये बल्ब जलते हैं ना तो इन्हीं गैसों के कणों पर पड़ने के बाद ये क्या होता है ना कि ये प्रकाशित होते हैं, ठीक है ना। ये प्लाज्मा को एक और तरीका से भी समझ सकते हैं, जैसे प्लाज्मा है कि जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, प्लाज्मा देखिए अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी अवस्था में पाए जाते, माने मान लीजिए कि पाउडर के ही फॉर्म में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे ठोसे में ही नहीं पाया जाता है बल्कि लिक्विड में भी पाए जाते हैं। जैसे क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके नाक से पोंटा निकलता है, तो पोंटा भी क्या हो सकता है, एक प्लाज्मा का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि क्या है, किसी सतह पर निकाल करके फेंक दीजिए, जिसको इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं पोंटा को, ठीक है ना। तो जब किसी सतह पर फेंक दीजिएगा ना, तो पानी से कितना भी दहवाने की कोशिश कीजिए वो नहीं दहता है, क्यों, क्योंकि ये प्लाज्मा का कण में एक सबसे बड़ी ये भी खासियत है कि वो क्या ना, एक दूसरे से क्या होता है ना, लगाव भी रखते हैं। और दूसरा ये चीज़ें हैं कि जब आप टॉर्च जलाकर देखिएगा ना कि काहे नहीं दह रहा है, तो देखिएगा आप जो उसके इर्द गिर्द में जो
जल है, पानी है, ठीक है ना, जो पसरा हुआ है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के बाद वो तो कम प्रकाशित होगा, लेकिन जो नेटा पोटा होगा ना वो कुछ ज़्यादा ही प्रकाशित करेगा, माने वो कुछ ज़्यादा ही चमकेगा। ये क्या है, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो एक प्लाज्मा है, ठीक है। अब जो अगला अवस्था है पदार्थ की वो है BEC, जिसका पूरा नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये भारत के रहने वाले वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस जी हैं, जो इन्होंने बताया है कि वायु में मौजूद जो गैसेज होती है ना उसको सामान्य तापमान पर ठंडा करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है ना वही है BEC, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल थिंग, इसके बावजूद भी आपको और भी वीडियो देखना है और क्वेश्चन आंसर भी हम कराने वाले हैं और आपका ऑब्जेक्टिव भी हम कराने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।